नमस्कार, आप देख रहे हैं हमीरपुर हलचल। खबर सामने आ रही है जनपद हमीरपुर के मुस्करा कोतवाली क्षेत्र से, जहां अवैध शराब का निर्माण, बिक्री व तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक हमीरपुर के निर्देशन में आबकारी विभाग एवं थाना मुस्करा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के क्रम में ग्राम सिबनी डेरा थाना मुस्करा में दबिश दी गई, जिसमें 500 लीटर अवैध कच्ची शराब, शराब बनाने के उपकरण एवं लगभग 5 कुंतल लहन बरामद हुआ है। लहन को मौके पर नष्ट कर दिया गया है। मौके से 2 अभियुक्त भाग गए हैं, जिनके विरुद्ध थाना मुस्करा में आबकारी अधिनियम में अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्रवाई की गई। अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है। हमीरपुर जनपद के मुस्कुरा थाना अंतर्गत शिवनी डेरा में अवैध शराब बनने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सूचना पर पुलिस विभाग और आबकारी विभाग द्वारा संयुक्त रूप से वहां पर छापा डाला गया। छापे के दौरान बड़े पैमाने पर वहां पर अवैध शराब बनाने के उपकरण और लगभग 5 क्विंटल लहन और मौके से लगभग 500 लीटर अवैध शराब बरामद हुआ। इस संबंध में 2 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है और अभी इस गिरोह में सम्मिलित अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है। शासन के निर्देश पर चलाए जा रहे हैं अवैध शराब के विरुद्ध यह अभियान अन्य थानों में भी जारी रहेगा, जिससे कि इसकी अवैध बिक्री और निष्कर्षण को प्रभावी ढंग से रोका जा सके।